नमस्कार, मैं स्वाति और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। मऊगंज में झोला छाप डॉक्टर ने शासकीय शिक्षिका के साथ रेप किया है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक झोला छाप डॉक्टर ने मऊगंज थाना निवासी शिक्षिका को प्रयागराज ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। गौरतलब है कि जब से नवीन जिला मऊगंज बना है तब से यहाँ आपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। महिला अपराध के मामले यहाँ से लगातार सामने आते रहते हैं, वही कई पुलिस थाने के वीडियो भी वायरल हुए हैं। ताज़ा मामला एक बार फिर सामने आया है जहां पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। पीड़िता ने मऊगंज थाने पहुंचकर मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मऊगंज चाक घाट मोड़ में क्लिनिक संचालित करता है, जो शिक्षिका को अपने साथ प्रयागराज घुमाने के बहाने ले गया, जहाँ एक होटल में दुष्कर्म किया। पीड़िता के मुताबिक वो शासकीय स्कूल में शिक्षिका है। महेंद्र यादव स्कूल के प्रधानाध्यापक के पास अक्सर आता रहता था। शिक्षिका भी उस समय बीमार रहती थी, इसलिए प्रधानाध्यापक ने डॉक्टर से परिचय कराया और बताया कि वह अच्छा डॉक्टर है, कई मरीज इसके दवा से ठीक हो गए हैं। शिक्षिका भी भरोसा मानकर उसके क्लिनिक में दवा कराने आने लगी। डॉक्टर शिक्षिका को प्रयागराज घुमाने अपने साथ ले गया, जहाँ होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसी दौरान उसने शिक्षिका का अश्लील वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। शिक्षिका से लाखों रुपए भी ठग लिए। परेशान होकर शिक्षिका ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी महेंद्र यादव ग्राम दैलापुर थाना फूलपुर जिला प्रयागराज के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।